डोनेस्क में रूसी फौज की भीषण बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। रूस के हमले से बहुत बड़ी तबाही हुई है। बेलगोरोद हमले के बाद रूस ने बदला लिया है। नया साल यूक्रेन की संपूर्ण तबाही की दस्तक लेकर आया है, क्योंकि रूस अब उन हथियारों को इस्तेमाल करने जा रहा है जो प्रतिबंधित है। यानी अमेरिका भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। वैसे भी इसके लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के शहरों पर प्रतिबंधित हथियारों से हमला करके उसे उकसा दिया। और ये तमाम देश जानते हैं कि जब कोई पुतिन को चैलेंज करता है तो वो अपनी बर्बादी का दावत खुद ही देता है। अब यूक्रेन का अंजाम भी यही होने जा रहा है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया तो ठीक, नहीं तो यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस खतरे का अंदेशा था वो आ चुका है। नए साल में दुनिया एक ऐसे विनाशक खतरे में घिरने वाली है जिससे कयामत आनी तय है। और इस कयामत की शुरुआत यूरोप से होगी, जिसमें सबसे पहले यूक्रेन का खात्मा हो सकता है। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के शहरों पर हमले में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया है। बेलगोरोद पर हुए हमले के बाद रूस की प्रतिक्रिया आई। रूस ने इसे वॉर क्राइम बताया है। जाहिर है, अब पलटवार में रूस भी ऐसे हथियार निकाल सकता है जो प्रतिबंधित है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने बेलगोरोद पर क्लस्टर बम से लैस रॉकेट दागे, जिससे बेलगोरोद में भारी नुकसान हुआ। जवाब में रूस ऐसे हथियारों से यूक्रेन को दहलाने की तैयारी में है, जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। सोचिए वो हथियार कितने घातक होंगे जिन्हें 110 देशों ने बैन किया हुआ है, जबकि रूस अब उन्हीं हथियारों को निकालेगा। इसका इशारा उसने दे दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, कीव ने प्रतिबंधित हथियार इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र संधि को तोड़ दिया है। अब रूस इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। उन हथियारों में सबसे पहला नाम है पंजे स्टिक्स। इस हथियार का इस्तेमाल वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ किया था, जिसमें बांस और दूसरी लकड़ी की नुकीली स्टिक्स को दुश्मन के ट्रूप के रास्ते में लगा दिया जाता है। स्टिक्स जहर या बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड होती है। जंगल में घास या फिर छोटे पौधों के बीच में इन्हें लगाया जाता है। एक बार कोई सैनिक अगर घायल हो गया तो वो खुद भी मरेगा और जहां जहां जाएगा वहां इन्फेक्शन फैलाएगा। यानी एक पूरा इलाका पंजे स्टिक से तबाह हो सकता है। इसी तरह का काम मस्टर्ड गैस भी करती है। मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड या फिर नाइट्रोजन मस्टर्ड भी कहा जाता है। रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में पीले रंग की मस्टर्ड गैस से हमला कर सकता है। इसे आर्टिलरी शेल, रॉकेट के वॉरहेड से और फाइटर जेट से स्प्रे करा के हमला किया जाता है। इस गैस के फैलने से लोगों का दम घुटने लगता है। कुछ मिनटों में हजारों लोग मारे जा सकते हैं। 1980 में ईरान इराक युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। इराक ने इसका इस्तेमाल किया था, जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए थे। इसके अलावा रूस पूरे यूक्रेन में लैंडमाइंस बिछा सकता है। यानी जहां जहां से सैनिक गुजरेंगे वहां वहां लैंडमाइंस बिछाते जाएंगे, जिससे वहां से गुजरने वाले सैनिक मारे जाएंगे। माइंस की छत में स्थानीय लोग भी आ सकते हैं। इसके अलावा रूस काला सागर में, बाल्टिक सागर में समुद्री कारोबारी रूट पर भी माइंस बिछाकर कार्गो जहाजों को तबाह कर सकता है।
इतना ही नहीं, रूस लगातार ड्रोन की खेप तैयार कर रहा है, खासतौर से स्वर्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर सकता है। इसके लिए स्वर्म ड्रोन को एक बड़े ड्रोन से कई इलाकों में भेजा जाएगा, जो एक साथ कई टारगेट पर जाके फटेंगे। खास बात ये कि झुंड में स्वर्म ड्रोन को रडार भी नहीं ट्रेस कर सकता है और डिफेंस सिस्टम इनके आगे बेकार हो जाएगा। इसके अलावा रूस उन दो प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल तो कई दफा कर चुका है जिन्हें 120 देशों ने प्रतिबंधित किया हुआ है, उसमें क्लस्टर बम और व्हाइट फॉस्फोरस बम भी शामिल है। हालांकि इन बमों का इस्तेमाल यूक्रेन ने भी किया है जो उसे अमेरिका से मिले हैं, लेकिन अब रूस इनकी बड़ी खेप से भारी तबाही मचाने को तैयार है। और उस खेप में जो सबसे विध्वंसकारी हथियार है उसका नाम क्लस्टर बम है। एक क्लस्टर बॉम्ब से एक साथ कई धमाके होते हैं जो एक बड़े इलाके में एक ही समय में भारी तबाही मचा सकता है। क्लस्टर बॉम्ब जहां फटता है वहां दुश्मन का सर्वनाश तय है। इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है। क्लस्टर बॉम्ब को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। इसमें मुख्य बॉम्ब में कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं जो तबाही लाते हैं। इसमें टाइमर लगा होता है जिसे एक वक्त में एक साथ टारगेट के पास धमाका होता है। ऑस्लो समझौते के तहत क्लस्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है। 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है, फिर भी कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा विध्वंसकारी हथियार है व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब, जिसे बड़े रिहायशी इलाके पर हमला किया जा सकता है। इसके ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेज धमाका होता है जिससे आसपास का तापमान 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 7 मिनट तक फॉस्फोरस बॉम्ब का असर रहता है। इस दौरान लाल रोशनी के बाद जहरीला सफेद धुआं निकलता है। अगर बम इमारतों बंकर पर फटे तो आग लग जाती है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में फटने से उसकी जद में आए लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, सांस लेने पर फेफड़े जल जाते हैं, करीब 10% शरीर जल जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस बम इतना खतरनाक होता है कि 2008 में यूएन ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, फिर भी इसका इस्तेमाल युद्ध में होता रहता है। जहां रूस ने यूक्रेन में इससे कई दफा हमले किए, इसी तरह यूक्रेन ने भी अमेरिका से मिले फॉस्फोरस बम से कई शहरों पर अटैक किए। इसी तरह इसराइल को भी अमेरिका से फॉस्फोरस बम मिले हैं। लेबनान की तरफ से कहा गया है कि इसराइल इसका इस्तेमाल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले के लिए कर रहा है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इनका इस्तेमाल हो चुका है। 1966 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था, फिर 2004 में इराक के शहर फ्लूजा पर अटैक किया था, 2008 में इसराइल ने गाजा पर हमले किए थे। यानी कई हथियारों पर बैन के बावजूद उनका युद्ध में इस्तेमाल होता रहा है, फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र कितना भी एतराज करे। दरअसल एक देश जब बैन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो दूसरा देश बैन हथियारों के साथ ज्यादा हमले करने लग जाता है। फास्फोरस बम, क्लस्टर बम के अलावा थर्मोबैरिक बम भी प्रतिबंधित हथियारों के लिस्ट में आता है। रूस कई बार यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के दौरान थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर चुका है। थर्मोबैरिक बम को एरोसोल वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है। ये हवा में ऑक्सीजन खत्म कर देता है। इसे सबसे घातक गैर परमाणु हथियार कहा जाता है क्योंकि ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका करता है। धमाके से इंसान भाप बन सकता है। इसका वजन 7100 किलो होता है। इसे रॉकेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। थर्मोबैरिक के अलावा थर्माइट बम भी बेहद विध्वंसक होता है। इसके इस्तेमाल से एक बड़े इलाके में आग लगाई जा सकती है। इसके अलावा रूस बायो और केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है, साथ ही वो एटम बम से हमले की धमकी लगातार देता रहा है। यानी इस साल युद्ध का सबसे विनाशक अध्याय शुरू हो सकता है,
क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। या तो जेलेंस्की सरेंडर करें, नहीं तो यूक्रेन के खात्मे के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत 1।